अब एक ऐसा सेगमेंट और ऐसी खबरें जो आपको जाननी समझनी बेहद जरूरी है। सोचिए, दुनिया के एक दर्जन से भी ज्यादा देशों में राजधर्म का दर्जा हासिल करने वाला बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि यानी हिंदुस्तान से क्यों खत्म हो गया? ये सवाल बौद्ध धर्म के अनुयायी देशों के साथ हर हिंदुस्तानी के मन में भी उठता है। वामपंथी विचारधारा के लोग इसकी व्याख्या करते हुए अपने उसी झूठे एजेंडे को सेट करते हैं जिसकी कलाई कई बार खुल चुकी है। बौद्ध धर्म की असली हकीकत भारत में क्यों खत्म हुआ? बौद्ध धर्म वामपंथी व्याख्या की खुलेगी कलाई। करीब 550 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया बौद्ध धर्म अगली कई शताब्दियों तक हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम देशों में तेजी से फैला और अपना प्रभाव कायम किया। आज भी बौद्ध धर्म चीन, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम समेत एक दर्जन देशों में मौजूद है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत में इस धर्म ने अपना अस्तित्व क्यों खो दिया? इसकी हकीकत जानने के लिए हमें हिंदुस्तान के करीब 2000 साल के इतिहास को किसी खास विचारधारा के नजरिए से नहीं बल्कि निरपेक्ष तथ्यों और पुख्ता प्रमाणों के आईने में देखना होगा, क्योंकि वामपंथी विचारधाराई इतिहासकारों और चिंतकों ने तो बौद्ध धर्म के खात्मे को भी हिंदुस्तान में जातीय विद्वेष फैलाने का जरिया बना लिया। बामसेफ नाम के सामाजिक संगठन के अध्यक्ष वामन मिश्राम बौद्ध धर्म के खात्मे की क्या वजह बताते हैं, पहले आप उसे सुनिए, फिर हम उनके बयान की पड़ताल पुख्ता ऐतिहासिक तथ्यों की रोशनी में करेंगे। क्योंकि भारत में बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए बहुत दीर्घ काल तक हिंसा का सहारा लिया गया। प्रोदत्त की हत्या हिंसा के द्वारा की गई और उसके बाद में समस्त देश भर में जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने वाले भिक्षु थे उनका कत्लेआम हुआ, उनकी हत्याएं हुई और उनके जो सेंटर थे, बुद्धिस्ट सेंटर थे, जब वहां देखरेख करने वाले भिक्षु थे उनकी हत्या हुई तो उन विहारों पर, उन सेंटरों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। वामपंथी इतिहासकारों, चिंतकों का किसी भी घटनाक्रम को देखने का ये टिपिकल अंदाज होता है। वर्ग संघर्ष, बुर्जुआ, सर्वहारा, जातिवाद का जहर ये हर घटना में ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर उसे इतने ट्रिक के साथ स्थापित करते हैं कि वही सच लगने लगता है। मौर्य वंश के जिस आखिरी शासक वृहद्रथ की हत्या की बात वो बता रहे हैं, उस समय हिंदुस्तान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी चर्चा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उससे समाज में कटुता और द्वेष फैलाने की मुहिम बेअसर हो जाएगी। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मौर्य वंश के शासक वृहद्रथ ने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए देश के सुरक्षा तंत्र और सेना के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया था। भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक पहुंचे यवनों ने वृहद्रथ की अहिंसा को पाटलिपुत्र पर हमले का अच्छा अवसर माना और चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। लाख समझाने के बाद भी वृहद्रथ युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ, तब जाकर पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की और आज सत्ता की बागडोर संभाली और यवनों को मार भगाया। वृहद्रथ जो अंतिम मौर्य सम्राट था, 185 ईसा पूर्व के लगभग, कहते हैं कि उसी के सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग है उसने उसकी हत्या की, ऐसा बौद्ध धर्म ग्रंथ कहते हैं। अब दरअसल में उसकी हत्या
कुछ मुद्दसों ने की या नहीं की, ये एक दोबारा से रिसर्च का अनुसंधान का विषय है। हाँ, ये बात सही है कि जो अशोक के बाद के जो उसके उत्तराधिकारी हुए मौर्य वंश में, वो उतने सक्षम उतने पराक्रमी नहीं थे, और उस समय भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमणकारियों का जो लगातार आक्रमण का भय बना हुआ था, और इन सब परिस्थितियों में देश को एक सक्षम तंत्र की, एक सक्षम नेता की आवश्यकता थी, और पुष्यमित्र सिंह में वो क्वालिटीज थी, वो सारे गुण थे, और इसी वजह से देखते हैं कि 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सिंह के द्वारा हुई, और इस काल में उसने बहुत ही सक्षम, बहुत ही पराक्रम के साथ, बहुत ही धैर्य और धीरता के साथ जो भी विदेशी आक्रमण हुए उनको डिफेंड किया। अहिंसा के मार्ग से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन जब कोई आपकी अहिंसा को कायरता समझकर आप पर हमला करने की कोशिश करे तो वैसे वक्त में हथियार उठाना अहिंसा ही मानी जाएगी। परवामपंथी व्याख्याओं की यही खासियत होती है, उतनी ही बातें बताओ जिससे कि आपका एजेंडा सेट हो जाए, जो सच्चाई आपके नैरेटिव के आड़े आ रही हो उसे छिपा लो। एक और खासियत होती है इस विचारधारा की, एक ही झूठ को बार बार फैलाओ, कई तरीके से फैलाओ, कई प्लेटफॉर्म से फैलाओ। जिस बात को वामन मिश्राम ने मंच से कहा उसी को नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर जनाब फैजान मुस्तफा अपनी ओर से कैसे पुष्ट कर रहे हैं, जरा आप वो भी सुन लीजिए। दरअसल जब वो चीन गए थे तो उनसे एक चीनी टैक्सी ड्राइवर ने यही सवाल पूछ दिया कि हिंदुस्तान से बौद्ध धर्म क्यों खत्म हुआ। उसका सवाल ये था कि इंडिया में इतने कम बुद्धिस्ट क्यों हैं? आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट एक दर्जन के करीब बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज हैं दुनिया में, जापान है, वियतनाम है, चाइना है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है, और जहां बुद्धा का पूरा जीवन यापन हुआ वहां आप देखिए कि वो कितने कम हैं। मेरा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि फैक्ट यह है कि हमने बुद्धिस्ट को प्रोसिक्यूट किया, हमने बुद्धिस्ट के टेंपल्स को, मॉन्स्ट्रीज को, सतुपास को डिस्ट्रॉय किया। चीनी टैक्सी ड्राइवर के इस वाजिब सवाल को लाल सलाम तो बनता है। चीन में बुद्ध के उपदेशों का कितना अनुसरण हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल इतिहासकारी के जरिए, वैचारिक भाषणों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, नुक्कड़ नाटकों के जरिए, जितने भी तरीके मुमकिन हो उन सब के जरिए वामपंथी चिंतक ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं जिससे कि हिंदुस्तान में जातिगत विद्वेष कम ना होने पाए, क्योंकि जातिगत बंटवारे की वजह से ही उनकी दुकान चलती है। अब भारत से बौद्ध धर्म के खात्मे का जो नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं, अगर वो सही होता तो मान लिया जाता कि चलो जो सच है उसे वो बता रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। वामपंथी इतिहासकारों की ओर से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसके मुताबिक पुष्यमित्र शुंग और उसके बाद शुंग वंश ने बौद्धों की हत्याएं करवाई। पुष्यमित्र शुंग ने ईसा से करीब 185 साल पहले वृहद्रथ की हत्या की थी। अगर उसके बाद अगले 400 से 500 वर्षों तक भारत में हिंदू राजाओं द्वारा बौद्धों की हत्या की जाती रही होती तो 5वीं-6वीं शताब्दी आते आते बौद्ध यहाँ से खत्म हो गए होते। लेकिन उस समय बौद्धों की क्या स्थिति थी उसका जिक्र 400 ईस्वी या उसके आसपास भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने अपनी किताब में किया है। भारत यात्रा के दौरान फाहियान ने जो देखा उसे लिपिबद्ध किया। आज से करीब 125 साल पहले एपिफेनियन विल्सन ने अपनी किताब चाइनीज लिटरेचर में फाहियान के लिखे को ट्रांसलेट किया। इस किताब का पब्लिशर है द कॉलोनियन प्रेस। लिहाजा हम ये आसानी से मान सकते हैं कि ना ही राइटर और ना ही पब्लिशर किसी संघी या भक्त मानसिकता से प्रभावित होगा। चाइनीज लिटरेचर किताब के पेज नंबर 247 पर द किंगडम ऑफ वैशाली शीर्षक के साथ क्या लिखा है वो देखते हैं। यात्री वैशाली राज्य में आते हैं। नगर के उत्तरी हिस्से में एक बड़ा वन है जिसमें चार दीवारी युक्त दो बौद्ध विहार हैं, जहां कभी बुद्ध रहते थे। नगर के अंदर नगरवधु वैशाली ने बुद्ध के सम्मान में एक विहार बनवा रखा था, वो अभी भी वैसे ही है। कुल मिलाकर वैशाली नगरी पूरी तरह से बौद्ध नगरी थी, जहां बौद्ध भिक्षु बड़े आराम से रहते थे और बाहर के लोग भी यहां विहार करने आते थे। चाइनीज लिटरेचर किताब के पेज नंबर 251 पर क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। इस नगर में राधा स्वामी नाम का एक महान ब्राह्मण रहता था जो महायान मत का प्रोफेसर था। राधा स्वामी बेहद विचारवान और ज्ञानी था और काफी पवित्रता से जीवन यापन करता था। यहाँ का शासक उसका बहुत सम्मान करता था और उसे अपना गुरु मानता था।
वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि बौद्धों और ब्राह्मणों में जबरदस्त लड़ाई थी, जबकि एपिफेनियन विल्सन अपनी किताब में साफ तौर पर लिख रहे हैं कि वैशाली का जो सबसे पवित्र ब्राह्मण था वो महायान यानी बौद्ध मत का प्रोफेसर था और राजा उसका सम्मान भी करता था। चाइनीज लिटरेचर के पेज नंबर 252 पर क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। अशोक के बनवाए स्तूप के पास महायान का एक मठ बन गया है जो बहुत विशाल और सुंदर है। यहीं पर हीनयान का भी एक मठ है। दोनों मठों में कुल मिलाकर 600 से 700 बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इनका आचरण और मठों में की गई बौद्धिक व्यवस्थाएं देखने लायक हैं। इससे साफ हो जाता है कि बृहद्रथ की हत्या के करीब 600 साल बाद जब फाहियान यहां आया तो बौद्ध धर्म काफी फल फूल रहा था और सनातन संस्कृति के साथ उसका समन्वय काफी अच्छा था। फिर भी वामपंथी लॉबी अपनी ओर से ये झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि बौद्ध और सनातन संस्कृति के बीच जबरदस्त कटुता थी। वैसे तो मार्क्सवाद में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी इनकी है कि हर चीज को ग्रुप आइडेंटिटी के चश्मे से देखते हैं, हमेशा झुंड बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि हमारे देश की परंपराएं जो हैं वो इंडिविजुअलिटी पर या व्यक्तित्व पर ज़्यादा बल देती हैं। तो ये जो बृहद्रथ और पुष्यमित्र शुंग वाली जो घटनाक्रम है, इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक दिग्भ्रमित राजा था और एक देशभक्त सेनापति था, तो उनमें संघर्ष हुआ और जो सेनापति था उसने बागडोर संभाली और उसने जो आक्रांता आए थे उनको पराजित करके भगा दिया। लेकिन मार्क्सवादी जहाँ भी ऐसा मौका देखते हैं कि कहीं पर भी उनको लड़ाई दिखा सकें, तो वहाँ पर सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए उसको वो ग्रुप आइडेंटिटी का रंग दे देते हैं कि यहाँ पर बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म की लड़ाई थी, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा कभी भी नहीं होता है। दरअसल बौद्ध धर्म और सनातन संस्कृति में तत्वतः कोई भेद नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध खुद सनातन संस्कृति के अनुयायी थे और सनातन धर्म में पहले से मौजूद ध्यान धारणा और समाधि की राह पर चलकर ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उनके उपदेश भी कमोबेश वही हैं जो सनातन संस्कृति के महान ग्रंथों में लिपिबद्ध हैं। लेकिन जिन्हें दोनों को बांटने में फायदा है, उन्होंने इसकी भरपूर कोशिश तब भी की थी और आज भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।